हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फन वाइब। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है ये वाला, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं ज़्यादातर उनके दिल में आपके लिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो तो फर्स्ट वर्ड में से कोई एक अल्फ़ाबेट चूज़ करो, और अगर क्रश के लिए तो सेकेंड में से चूज़ करो अपना अल्फ़ाबेट। चलो फिर देखते हैं सबसे पहले इस वर्ड के अल्फ़ाबेट का आंसर क्या होता है आपके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे ओ वाले अल्फ़ाबेट का आंसर, अभी कोई फीलिंग्स नहीं है दिल में उनके आपके लिए। देन अब इसके बाद देखते हैं ये वाले अल्फ़ाबेट ई में क्या है आपका आंसर, लेट्स सी, अभी वो आपके साथ ही रहें और आगे जाकर आपसे ही शादी कर लें, ये फीलिंग्स हैं उनकी। देन अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आर में क्या होता है आपका आंसर, प्यार है आपके लिए बहुत सारा। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं वी वाले अल्फ़ाबेट में क्या है आपके लिए लिखा, आपको हासिल करने की चाहत है बस दिल में उनके। देन अब इसके बाद देखते हैं एल वाले अल्फ़ाबेट में क्या होता है आपका आंसर, आज उनके दिल में प्यार भी है, कदर भी है आपकी, और फिक्र भी है बहुत आपकी। देन फ्रेंड्स, अब है सेकंड वर्ड क्रश का आंसर, चलिए इसके आंसर देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले है एच, लेट्स सी इसमें क्या लिखा होता है आपके लिए, आप कभी कभी अच्छे लगते हो उनको। देन इसके बाद देखते हैं आर वाले अल्फ़ाबेट में क्या है आपका आंसर, ओनली दोस्ती है, फीलिंग्स नहीं है कोई भी आपके लिए। देन इसके बाद देखते हैं यू वाले अल्फ़ाबेट में क्या है आपका आंसर, आज उनकी दोस्ती में भी प्यार है आपके लिए। देन फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं सी वाले अल्फ़ाबेट में क्या लिखा होता है आपके लिए, आप उनको पसंद करते हो या नहीं, यही सोचते रहते हैं बस और इसी में कन्फ्यूज रहते हैं। देन इसके बाद देखते हैं एस अल्फ़ाबेट, लास्ट अल्फ़ाबेट, इसमें क्या होता है आपके लिए, जो फीलिंग्स आपके दिल में हैं उनके लिए वही उनके दिल में हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।